हम अपना यूट्यूब छोड़ देंगे, 95,000 rupees रेंट दे रहे थे हम, एंड लाइक मेंटल टॉर्चर होता है हुआ। तो हमारी ओनर बहुत ग्रीडी निकली, उन्होंने सोसाइटी वालों को भी हमारे खिलाफ भड़का दिया। वी मेड द डिसीजन घर पे आने के बाद कि मुंबई में नहीं रहेंगे, क्योंकि आई थिंक मैं बच जाती। ओके, आई गेस इट्स टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड ऑल योर क्वेश्चंस, व्हाई वी मूव टू मुंबई एंड व्हाई वी मूव बैक टू दिल्ली। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई वी मूव टू मुंबई। इट्स वेरी सिंपल, ऑल दी इवेंट्स, मेजर थिंग्स हैपन इन मुंबई मोस्टली। सो गोइंग टू मुंबई, कमिंग बैक टू दिल्ली, गोइंग टू मुंबई, कमिंग बैक टू दिल्ली, ऑल ऑफ दिस इज gets hectic and it would be easier if we are living there. कोई event आया तो we can go instantly. Like इस महीने में हम इतने लोगों से मिले हैं, हमने events attend करे हैं जो कि अगर हम Delhi में रह रहे होते तो शायद हम नहीं कर पाते, we would have missed. So वो है एक point. दूसरा कि we are actors, Payal and I both, and हमें अपने acting career को और आगे बढ़ाना है, and everybody knows that Mumbai is the hub, all the opportunities come there first. एंड इट्स नॉट ईजी अगर आपको कोई ऑडिशन देना है, अगर आपको किसी से मिलना है, तो आप अगर दिल्ली में हो एकदम से आप नहीं जा सकते, लीविंग ऑल द वर्क, ऑल ऑफ दैट बिकम्स डिफिकल्ट। सो दैट इज द रीजन वाई वी मूव टू मुंबई। एंड आप लोग तो हमें पिछले सिर्फ 3 सालों से जानते हो, बट हम उससे पहले से ही मूव करना चाहते थे मुंबई फॉर आर एक्टिंग करियर। But that never meant कि हम अपना YouTube छोड़ देंगे, कि you guys are important and this is our work. This is our work, this is what we do. So please never think that. Now comes the major part, क्यों हम वापस आ गए। So let's start with मुंबई में घर मिलना मुश्किल होता है, everybody knows. 4 साल से try कर रही थी कि अच्छा सुंदर घर मिल जाए, स्पेस सही हो, रेंट भी बढ़ा दिया। सो बेसिकली द रेंट दैट वी वर गिविंग देयर वाज 95,000 rupees। यस, 95,000 rupees रेंट दे रहे थे हम, उसमें अमेनिटीज थी, बट देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि हमें फेस करने को मिली। सो यहाँ से जब हम गए, मैंने यहीं से ही घर फाइनल कर दिया था, मुंबई में जाकर भी नहीं देखा, हमें इतना वीडियो में वो पसंद आ गया था, राइट? ओनर ने हमें नहीं एक्सप्लेन किया था या बताया था कि वहाँ पे बैचलर्स का रहना अलाउड ही नहीं है, एंड वी टोल्ड हर दैट मी एंड माई सिस्टर विल बी लिविंग देयर, पेरेंट्स तो आते जाते रहेंगे, बिकॉज हमारा फैमिली बिजनेस यहाँ पे, आप लोगों को पता है, दिल्ली में, तो इट्स नॉट पॉसिबल पेरेंट्स के लिए हमारे साथ वहाँ परमानेंटली रहना। सो वहाँ पे सोसाइटी वालों ने बहुत इशू क्रिएट किया, एंड लाइक मेंटल टॉर्चर होता है हुआ हमें, विच वी कांट इग्नोर। मतलब द डे वी मूव्ड इन, द डे वी स्टेप्ड इन दैट हाउस, कुछ ना कुछ हो रहा था, बट आप एक नई जगह पे गए हो, आप नई एनर्जी से गए हो, तो आप हर दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, एंड जो भी दूसरे को, सामने वाले को यही करते हो कि यू आर पॉजिटिव अबाउट लाइफ, बट अंदर से आपको पता है आप कितना जूझ रहे हो, कितने बारी आपको मेंटल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कितनी बारी आप रो रहे हो, विच हैपन, आई कांट इग्नोर द फैक्ट। एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड किया ड्यू टू ऑल द रीजन्स, मतलब सोसाइटी वालों ने हमें ये बोल दिया था बहुत क्लियरली मुँह पे कि भाई यहाँ पे आप लड़कों को नहीं बुला सकते हो, एंड पार्टी वार्टी नहीं, ऑब्वियसली हम पार्टी नहीं करते, बट हमारा काम ऐसा है कि हमारे घर पे लड़की लड़के आएंगे मिलने एंड काम करने शूट के लिए। आपको पता है हमारी टीम यहाँ पर भी मेल्स की है, एंड एक्टर्स चाहिए होते हैं शूट में, डीओपी, कैमरा पर्सन, असिस्टेंट, एवरीथिंग, तो उसके लिए हम नहीं चाहते एक महीने में जब हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई है, बाकी के हम 10 महीने कैसे बिताएंगे वहाँ, हमें नहीं पता था। तो हमने डिसाइड किया कि वी विल लीव दिस प्लेस। अब हमारे ओनर्स ने भी डे वन से प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी, द डे वी मूव्ड इन। अब आप इतना रेंट दे रहे हो, कहीं पे रह रहे हो, सिक्योरिटी मनी भी इज लाइक अ लॉट, विच आई एम नॉट गोना टेल यू गाइस, एंड वहाँ पे हम मूव इन करते हैं एंड दे आर लाइक आप वॉल पे कुछ नहीं लगा सकते हो, एंड आई एम लाइक व्हाट, घड़ी, पिक्चर्स, टीवी तो वॉल पे ही लगेगा, एंड देर लाइक आप स्टैंड वाला टीवी ले लो एंड वो टेबल ले लो, खरीद लो जिसपे आप टीवी रखो, एंड आई एम लाइक व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं क्यों खरीदूँ, एंड टीवी वॉल पे ही लगता है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला ठीक है
आप फिर मुझे वॉल रिपेयर एंड पेंट करा के दोगे पूरी की पूरी। तो मैंने उनको मेल डाल के अपने वर्ड्स में लिखा है कि आई अश्योर यू कि जब हम मूव आउट करेंगे तो हम ये करके देंगे आपको। एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी, मतलब ग्रीडी होता है ना कोई इंसान, तो हमारी ओनर बहुत ग्रीडी निकली हमसे। पुराना अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करवाना, जो कि हम स्मार्ट है तो हमने कैच कर लिया कि भाई ये ड्यू है आपका पहले का, हम क्यों पे करें। सो मैनी थिंग्स। एंड फिर हमने उनसे बात की एंड हमने बोला कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि हमें, मतलब पता है वहाँ पे ना हर दिन ऐसे हो रहा है कि अब कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आपका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है। आप एंग्जाइटी में जी रहे हो, आप एक टेंशन में जी रहे हो, जबकि आपको पीसफुली जीना चाहिए। आप कहीं भी रहो, आप खुशी रहो, राइट? तो मैंने उनको समझाया एंड मैंने उनको नोटिस दे दिया 1 मंथ का कि भाई आप भी नए टेनेंट्स देख लीजिए, हम भी कुछ और देखते हैं। एंड आपको कोई भी टेनेंट को, नए वाले को दिखाना होगा फिर तो हम आपको वो क्या बोलते हैं, मतलब आने देंगे हमारे घर में भले ही हम हो या ना। एंड उसके बाद तो दैट पर्सन बिकेम क्रेजी, दैट लेडी बिकेम क्रेजी। उन्होंने पता नहीं क्या क्या मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मनी आई थिंक। वो उन्होंने स्टार्ट किया एंड उन्होंने सोसाइटी वालों को भी हमारे खिलाफ भड़का दिया कि हम उनके लिए क्या क्या बोल रहे हैं, कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, विच आई नेवर सेड। सो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गया एंड वो हमें बोल रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी मनी भी तब देंगे जब हमें टेनेंट्स मिल जाएंगे एंड आप रिपेयर कराओगे। बार बार बोलना रिपेयर कराओगे वॉल, एक वॉल जो कि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं कराऊंगी। एंड आपको हम तब तक रेंट चार्ज करेंगे जब तक हमें नए टेनेंट्स नहीं मिल जाते। आई एम लाइक, मैं आपको 1 महीने का नोटिस दे चुकी हूँ, व्हाई वुड आई पे जब मैं नहीं रह रही हूँ। एंड हमने, मतलब जिस मंथ हम रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ का भी मैंने रेंट दे दिया उनको। मैंने उनको बोला कि आप सिक्योरिटी मनी में से निकाल लो एंड फिर काट के दे देना। बट पीपल आर लाइक सो क्रेजी, दे टॉर्मेंट यू लाइक क्रेजी। उन्होंने इतना सब मेस्ड अप कर दिया एंड ऊपर से एक्टिंग करना कि उनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है एंड ऑल, एंड शी वॉज नॉट इवन देयर। हमें प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा, जो कि हमने उनको कुछ नहीं, मतलब आपको ये सोचना चाहिए आप किसी को धोखा दे के रख रहे हो अपने घर में। आपको बताया सोसाइटी के रूल्स कि वहाँ पे बैचलर्स नहीं अलाउड है, आपने फिर भी हमें बुलाया वहाँ पे एंड हमें इन्फॉर्म नहीं किया। आपने ऑलरेडी दूसरों के साथ धोखा किया है एंड आप वो करते जा रहे हो। एंड मैं इतने प्यार से उनको रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि यार हम 1 महीने बाद नोटिस दे के आपको निकल जाएंगे यहाँ से। इंस्टेड शी मेड एवरीथिंग डिफिकल्ट। तो हमें 10th को आना था बट पापा ने उस दिन ही बोला कि भाई तुम आ जाओगी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लाइक इट वॉज टफ एंड आई फील लाइक आई एम स्टिल नॉट ओवर इट। अभी हमें दिल्ली आ गए, हम ऑल गुड, बट अभी वी स्टिल हैव टू गो बैक एंड still have to go back and empty the house, wall repair कराना है उनका and yeah, then I think things will be sorted. So we made the decision घर पे आने के बाद कि मुंबई में नहीं रहेंगे, इतना rent लग रहा है and all, and कोई अच्छे से नहीं मिल रहा है वहाँ पे 1 lakh अबव रेंट्स एंड कुछ अच्छी प्रॉपर्टी मिले, कोई ये दिक्कत ना हो बैचलर वाली, तो आप पीसफुली रह भी पाओ। आफ्टर ऑल पीस इज इम्पॉर्टेंट। सो हमने तो यही सोचा था कि भाई भाड़ में जाए पैसा, अगर इस लेडी को नहीं भी देना ना हमारे सिक्योरिटी मनी, हमारा रेंट रखे, बट पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो वी आर लीविंग दिस, दिस लाइक डिसीजन वी मेड कि पीस में रहना इज मोर इम्पॉर्टेंट। वही अब बैक एंड फोर्थ करेंगे मुंबई एंड दिल्ली, चाहे कितनी ही मेहनत लगे उसमें, टिल द टाइम वी गेट आर प्लेस। सो या मीनवाइल काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं मुंबई में। वी गेट टू मीट सो मेनी पीपल, वी मेड अ न्यू फ्रेंड तमन्ना, विच वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर। वी रियलाइज गुड पीपल आर ऑल्सो देयर। या आई थिंक दिस इज जस्ट लाइफ लेसन। एंड कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी में हो रही है, लाइक यहाँ से मैंने घर पसंद कर लिया एंड उन्होंने सेम डे मुझसे रेंट ले लिया, लाइक
95,000 दिस लेडी वाज लाइक नहीं नहीं आप दो, मेरे पास एक और पार्टी है. एंड मैंने दे दिया, मैंने कोई चिक चिक नहीं करी. एंड उन्होंने सिक्योरिटी मनी ले लिया, एग्रीमेंट बनवा लिया फटाफट. एंड फिर वहाँ पे जाके हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो आप ऐसे मत पढ़ो चीज़ों में. फर्स्ट चाहे आपको कितनी ही मेहनत लग जाए, जाके देखो. आई मीन देखना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए. एंड टेक थिंग स्लो. अगर सामने वाला बोल रहा है आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, जाती रहे. डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, जाए. लेकिन जल्दबाजी में मत करो. आई विश समबडी हैड टोल्ड मी दैट एट दैट टाइम. क्योंकि आई थिंक मैं बच जाती फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस. But it's okay. We had a great time. We still had a great time. And I think I love Mumbai. Even though it was not a good, entirely good experience. But I still love Mumbai. I love the vibe. Why am I crying? इसीलिए और बहुत सारे vlogs मैंने मुंबई के नहीं डाले हैं. मैंने यही decide किया है. So you guys are only going to see happy parts, because I never want to show you people bad things. Kyunki I want to spread love and happiness in this world. Ye bhi main isliye update de rahi hu because a lot of you were asking in the comments, "Is to Mumbai mein gaye kyun?" Aur agar fir you guys were asking ki अभी आप हो कहाँ, आप दिल्ली में हो या मुंबई में हो, क्योंकि ऑल ओवर स्टोरीज एंड ऑल ओवर कमिंग फ्रॉम दिल्ली ना. फिर दिल्ली वाला घर से गाइस आर कंफ्यूज. तो फिर लाइक ठीक है, अपडेट तो देना पड़ेगा, इससे आई कांट रन. सो दैट्स द अपडेट. एंड बहुत देर हो गई है. आई लव यू गाइस सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. आप लोगों ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है. आई लव यू सो मच. एंड more happy and good vlogs coming. So see you next time.